and Alexa. Technology for everyone. हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी को रिपेयर कैसे करते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि यहां पे आप देख रहे होंगे ढेर सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। ये आईसी, ये भी आईसी है। इस तरह के कंपोनेंट जितने भी हैं ये सारे आईसी हैं, ठीक है। इसको हम लोग आईसी के नाम से जानते हैं। ये क्रिस्टल है, ओके। और ये हमारे पास ये छोटे छोटे SMT's कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, ये जो है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, ओके। और ये जो अगर इसके अंदर कुछ फॉल्ट आता है तो दोस्तों इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसके बारे में, इसकी टेक्निक के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि ये SMT's रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इस रेजिस्टेंस की पर इसकी वैल्यू जो है इसके ऊपर लिखा गया है। इसकी वैल्यू को निकालने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू का है रेजिस्टेंस, ये वैल्यू वास्तव में दिख रहा है कि नहीं। अगर ये वही वैल्यू आपको मल्टीमीटर में दिख रही है तब तो ये ठीक है, नहीं तो ये ख़राब है, ओके। इसी तरीके से ये आईसी नहीं टेस्ट होती हैं दोस्तों। और ये जो ड्राइवर हैं, इसे ड्राइवर कहते हैं, ये रेगुलेटर आईसी होती है। तो ये रेगुलेटर आईसी टेस्ट हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये वोल्टेज को जो है कम करके देता है। तो ये जैसे कि 78.12, 78.5 इस तरह के ड्राइवर जो होते हैं, 3.5 के ड्राइवर होते हैं, इस तरह के ये ड्राइवर होते हैं दोस्तों। ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग होता है और प्रोग्राम करके इससे जो है जैसे चाहे वैसे हम इसे वर्क में ला सकते हैं। ये 7 सेगमेंट दोस्तों हैं। 7 सेगमेंट में यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले होता है, इसमें डिजिट आते हैं दोस्तों। और इस पे जो है डिजिट से हमें शो करता है कि इस पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, ओके। और ये रिले होता है दोस्तों, ये किसी भी कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।